नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने मैक यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं आज जो मुकाबला खेला जाएगा मुंबई इंडियंस वुमेन वर्सेस गुजरात वुमेन के बीच में, उसमें हमारी प्रो मोड ड्रीम इलेवन का टीम क्या होगा। जी हां दोस्तों, एकमात्र चैनल आपको दिखेगा इंडिया का जहां पे प्रो मोड को लेकर डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है आपके पास अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कमाने का। छोटे छोटे कंटेस्ट लगा के आप बड़ा बड़ा अमाउंट जीत सकते हो ड्रीम इलेवन के ऊपर, और पर्सनली मैं आपको कन्विंस करूंगा मिनी जीएल आपको अधिक से अधिक प्रो मोड में खेलनी चाहिए। और अगर हम बात करेंगे स्पेशली इस मैच को लेके, तो बड़ा न्यूज फिलहाल निकल के कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई बड़ी प्लेयर मुझे आउट नहीं दिख रही है। अगर लेटेस्ट कुछ न्यूज निकल के आएंगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिल जाएंगे। उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाने हैं। और मैंने आपको प्रो मोड का एक डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, तो आप करना क्या, इस वीडियो को देखने के बाद प्रो मोड कैसे वर्क करती है, आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या होंगी, पॉइंट सिस्टम क्या है, जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए होंगी मैंने प्रो मोड वाले वीडियो में सब कुछ बता दिए हैं। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रो मोड वाली जो वीडियो है उसका भी लिंक दे देने का। फिलहाल आइए हमारी फैंटेसी की टीम इस मैच के लिए क्या होंगी, जो कि प्रो मोड के लिए होंगी, ध्यान रखिएगा। बाकी जो नॉर्मल फैंटेसी की टीम होंगी उसमें मैं कुछ बदलाव भी कर सकता हूं, और उसका मैं एक डिटेल्स वीडियो आप लोग को दूंगा। अगर हम बात करें विकेट के पीछे, तो मैंने बैथ मुनी को लिया हुआ है। अगर बात करें बैटिंग में, वलवार्डेड हरमनप्रीत कौर, पीलिच फील्ड को मैंने जगह दी है, ऑलराउंडर से मैथ्यूज, नटाली सीवियर ब्रंट, एमिलिया कर को मैंने लिए, फिर मैंने गार्डनर, सबनी मिसमेल, तनुजा कन्वर और सैका इसाक को अपनी टीम में जगह दिया है। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगर आप सामने वाली टीम को देखोगे ना गुजरात को, तो उनके टॉप चार में दो लेफ्टी है नाम, एक का दिख जाएगा आपको मुनी, दूसरे का आपको दिख जाएगा यहाँ पे लिचफील्ड। दोनों के दोनों लेफ्टी है, इसका मतलब है कि ऑफ ब्रेक गेंदबाज हेले मैथ्यूज आपको स्टार्टिंग में अच्छी खासी स्पेल डालते दिखेंगी। अब मैंने यहाँ पे मैथ्यूज को कैप्टन सीधा सौंप दिया है। अब अगर मैथ्यूज को विकेट मिलता है फिर भी मुझे बेनिफिट होगा, मैथ्यूज को अगर विकेट नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि लिचफील्ड और बैट मुनी आपको अच्छे खासे नौ खेलती नजर आएंगी। वीसी मैंने यहाँ पे दिया एसले गार्डनर को, मैं वीसी को लेकर कॉल ले सकता हूँ, नेटाली सीबीआर ब्रंट, एमिलिया कर, या फिर अपने टीम में वीसी देकर जा सकता हूँ बैथ मुनी को। तो जो भी बदलाव करूंगा वीसी का वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। फिलहाल ये हमारी जो टीम है वो ड्रीम इलेवन प्रो मोड की है। प्रो मोड की जो डेडलाइन है वो नॉर्मल मैच से एक घंटा पहले क्लोज हो जाएंगी, जैसे ये मुकाबला 7:30 में स्टार्ट होंगी तो प्रो मोड की डेडलाइन क्लोज हो जाएंगी 6:30 में। मतलब आपको जो कुछ भी एडिट करना होगा प्रो मोड का वो 6:30 से पहले करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से ड्रीम इलेवन प्रो मोड में जाइए और ग्रैंडली खेलिए। कुछ भाई का ये भी कमेंट आ रहा है कि राजा भाई हमारे जो मीन्स ड्रीम इलेवन है ना वहाँ पे प्रो मोड दिखते ही नहीं है, तो आप ड्रीम इलेवन को कर लीजिए अपडेट, उसके बाद आपको दिखना हो जाएगा स्टार्ट। धन्यवाद।